नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर वोट जिहाद करने वालों पर निशाना साधा। ईरानी ने कहा कि कुछ लोग धर्म और जाति को लेकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र की जनता केवल विकास और समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना चाहती है। ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी विशेष समुदाय के नाम पर सड़क या कोई परियोजना समर्पित नहीं की। उनका एजेंडा हमेशा सबका साथ और सबका विकास रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं, जबकि मोदी सरकार का उद्देश्य केवल काम और विकास है। स्मृति ईरानी का ये बयान बीजेपी के विकास आधारित राजनीति के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाला था। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मोदी सरकार की प्राथमिकता हमेशा देश की समग्र प्रगति रही है और ना किसी विशेष समुदाय के लाभ के लिए परियोजनाओं का निर्माण। प्रचार के रूप में सभी जगह चुनाव में जाते हैं। मैम, आपको महाराष्ट्र में आने का कैसा अनुभव लगा चुनाव में, जबकि आप सभी जगह चुनाव प्रचार के रूप में जा चुके हैं? चुनाव के निमित्त, विधानसभा चुनाव के निमित्त मैं इतना ही कहूंगी कि मैं प्रफुल्लित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्षमता के आधार पर, हमारे नेतृत्व के योगदान के आधार पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। मोदी जी ने कल एक नारा दिया था, हम एक है तो सेफ है, जिससे संजय राउत का बयान आया कि मोदी जी की वजह से हम अनसेफ है या यहाँ महाराष्ट्र की जनता की मंशा से वित्तीय है कि समाज सेफ हो, देश सेफ हो। संजय भैया कितना सेफ है नहीं है वो मेरा विषय नहीं है, जनता देश सेफ है, बस मेरा उतना ही विषय है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह कांटे की टक्कर चल रही है, छत्तीसगढ़ जिसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी लगातार एक दूसरे में ताबड़तोड़ अपने शब्दों का बाण चला रहे, इसमें कैसा अनुभव है? मेरा अनुभव इतना ही है कि मुद्दों के आधार पर राजनीति करने से लोकतंत्र स्पष्ट होता है, जनता को लाभ होता है। और मुझे इस बात का गौरव है कि मेरी पार्टी ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास के कई ऐसे काम किए हैं, इसमें विशेष रूप से लड़की बहन योजना जो है, जिससे 2.5 करोड़ बहनों को महाराष्ट्र में विशेष रूप से फायदा हुआ है, मुझ जैसी महिला कार्यकर्ता के लिए एक सुखद अनुभव है। साथ ही हमको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्षों से महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में इसके लिए संघर्ष किया, हमारा वो संघर्ष भी समाधान में बदला जब नरेंद्र भाई ने उस कानून को देश की संसद में बांट दिया। मैम, एक और अंतिम सवाल, आज कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 70 सालों से वो किसान के और महिलाओं का अपमान कभी नहीं किया, किसान की भावना को समझा है और जो भी जनता उसकी भावना को समझते हुए 70 साल उन्होंने राज किया। उन्होंने भावना को समझा है कि तीसरी बार भी लोकसभा का चुनाव आ गया, लेकिन वो कहते हैं कि वो महिलाओं का अपमान नहीं करते। इतना भावना समझते हैं तो फिर जब 5 सत्ता थी केंद्र में, तो मोदी जी की तरह किसान सम्मान निधि शुरू करके 6,000 रुपए प्रति वर्ष क्यों नहीं ट्रांसफर किया? अगर इतना सम्मान था महिलाओं के लिए तो 33% का आरक्षण का बिल कांग्रेस ने क्यों नहीं पारित किया? अगर देश के जवान के प्रति इतना सम्मान था तो 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस के जमाने से मांग उठी थी, उसको क्यों नहीं पास किया? बोलने में क्या रहता है, उनके लिए शब्द हल्के हैं, हमारा काम विकास की दृष्टिकोण से जमीन पर भारी पड़ रहा है उनको, इसके हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र से न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। ईरानी के इस बयान ने महाराष्ट्र के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति और विकास पर आधारित राजनीति के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। बीजेपी की विचारधारा को लेकर उनका ये संदेश आगामी चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।